यहाँ से बैटरी स्विच ऑन करेंगे, उसके बाद यहाँ से चाबी की इग्निशन को दो दफ़ा ऑन करेंगे बस। उसके बाद वेट करेंगे डिस्प्ले को ऑन होने का। डिस्प्ले जब ऑन होगा तो एक बीप देगा, सायरन देगा, ये जा रहा है यहाँ लास्ट तक, क्रेन चलते हुए यहाँ रुकेगा। उसके बाद जो है बीप दिया, उसके बाद जो है यहाँ स्टार्टिंग स्विच है जस्ट लीवर के पीछे ये वाला, यहाँ ये ऑफ है ये ऑन है। ऑन करेंगे यहाँ से स्टार्टिंग सेल्फ मारेंगे इसको, स्टार्टिंग हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे डिस्प्ले पे पूरा क्लियर आया, यहाँ पे एच ए पोजिशन लिखा हुआ यहाँ है, एच ए में करना है, ठीक है। फ्लाइजिप नहीं है, फ्लाइजिप नहीं है, फ्लाइजिप यूज नहीं है। जितना काउंटर वेट है काउंटर वेट का यहाँ सिलेक्शन करना है, जितना भी काउंटर वेट इसमें लगाना है उनको सिलेक्शन करना है, 1.8 4.3 जो भी काउंटर वेट है यहाँ से ऊपर नीचे करके देख करके सिलेक्शन करना। अभी हमारे पास 24 टन 500 है तो 24 टन 500 को सिलेक्शन करेंगे, हो गया। उसके बाद फुल आउटरिगर निकला हुआ है, फुल आउटरिगर को सिलेक्ट कर दिए। उसके बाद वायर रोप कितना है, यहाँ वायर रोप का यहाँ पार्ट ऑफ लाइन दिया हुआ है 1 2 3 4 करके, इसमें जो भी है अभी हमारे पास जो है 8 है तो 8 इसमें भर दिया, सिलेक्शन कर दिया। सिलेक्शन जब हो गया तो उसके बाद यहाँ से सेफ पोजीशन है, सेफ हो गया हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ से बैक जाएंगे, बैक जाएंगे तो यहाँ मेनू खुल जाएगा, ये डिस्प्ले का मेनू खुल गया, ठीक है। उसके बाद हम जो है लीवर से ऑन करेंगे, पहले लीवर का सिलेक्शन जाना है तो यहाँ बैक पोजीशन में जाएंगे, यहाँ लीवर का सिलेक्शन देखना है, यहाँ लीवर का सिलेक्शन है दिया हुआ, यहाँ देखना है कि हमको कौन सा मूड में रखना है लीवर। इस हाथ में डायग्राम दिया हुआ है सेकंड विंच का स्विंग का, इधर इस हाथ में दिया हुआ फर्स्ट विंच का और अप डाउन बूम का, तो जो सिलेक्शन करना है अभी तो हमको उठाना है लीवर, तो इसके लिए 2 नंबर सेलेक्ट किए। उसके बाद फिर बैक आ गए, बैक आ जाएंगे फिर मेनू में जाएंगे, या मेन मेनू क्रेन का मेनू में, फिर वापस वैसे ही आ जाएगा, वापस वैसे ही आ जाएगा। फिर लीवर से हम उठाएंगे बूम को,